उसका उपयोग करते हैं। वीरेंद्र भाई जब जब मुझे मिलते हैं एक ही बात करते हैं, दुखी लोगों को मदद कैसे करें, जिसके साथ क्या है तो आप कभी भी याद करें। तो जब जब इन लोगों को मैं मिलता हूँ और इनकी जो एनआरई संस्था है उसकी शुरुआत से हम भारत जुड़े जो पढ़त राय मेहता थे वहीं से हम माँ के साथ समझे, और उस संस्था ने इतना आगे काम कर दिया है। तो जो अमेरिका से जो आते हैं डॉक्टर लेनर्ड मार्क, आपको लेनर्ड मार्क को मैंने कहा कि तुम इतने बड़े लॉयर हो, भावनगर में संस्था है तुम देख के आओ। भावनगर में आए, वो संस्था देखी, उनके मन में इतनी भावना हुई तो जाकर के अपना जो विल बनाया उसके अंदर $50,000 उसको भेजने के लिए लिख दिया। डॉक्टर लेनर्ड मार लीडिंग लॉयर, और वहाँ से वो गुजर गए तो उनके विल में लिखा था तो उन्होंने यहाँ पर भेजा। तो नटवर भाई देसाई ने मुझे बोल दिया कि आपके जो विद्यार्थी लेनर्ड मार्क ने अपने विल में इतना डोनेशन दिया, तो उसने बोला कि थैंक यू करने के लिए कि आपका विद्यार्थी ने हमारी संस्था को काम किया। तो इसलिए आज एनआरई संस्था ये संस्था इतनी अच्छी है। तो आप सब धनवादियों को मैं ये कहता हूँ कि आपका धन बैंक में रहेगा वो काम नहीं लगेगा, पर इसमें दोगे वो आगे जन्म में काम लगेगा। और जो आज का जो दुख है वो हमने पूर्व जन्म में काम नहीं किया इसलिए आज दुख आया है। अब इस जन्म में हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा अच्छा जन्म आने वाला है। कि भारत का धर्म पुनर्जन्म में मांगता है कि जो आप बीज डालते हो वही उसका फल आएगा। अंग्रेजी में कहते हैं कि यू हार्वेस्ट व्हाट यू हैव प्लांटेड, आपका जो हार्वेस्ट है आज जो मिला है वो किसी ने दिया नहीं। ऐसा मत कहना कि भगवान तुमने दिया, भगवान कैसे देंगे, भगवान ऐसे पार्शियल नहीं है तो तुम क्या दे दे दूसरों को न दे। भगवान नहीं, आपके कर्म आप जो करते हो उसी का रिजल्ट है। यू आर हार्वेस्टिंग व्हाट यू हैव प्लांटेड, जो आपने जो किया है उसी का आपको फल मिला है। तो सुखी लोगों को मुझे यही विनती करनी है कि जात और कौम ये सब नहीं देखो, दुखी आदमी को देखो, और इन लोगों को आप जो मदद करोगे उनके जीवन में थोड़ी आशा आएगी, उसके आशीर्वाद कलेक्ट करने से अपने को ब्लेसिंग करना। और एक बात तो मैंने देखा है कि आदमी कुछ भी करे बस जब जाने का समय आता है समय में उस समय में आदमी का अहंकार सब भूल जाते हैं। अब देखता है कि अब मुझे जाना है, जो कुछ मैंने बैंक में रखा है सब बैंक में ले जाएगा, मेरे साथ क्या आएगा। तो आखिरी समय में अफसोस न करना पड़े, इसीलिए जब हो सके तो धन से मन से और धन से आप मदद करते रहो, और जो आपने बोया है वो जरूर होगी। खेडूत ने मैंने देखा है खेती वाला आदमी जब अनाज देखता है अच्छा अच्छा अनाज एक बाजू रखता है, दूसरा अनाज है वो अपने रोटी बनाने के लिए लेता है। उस खेडूत को मैंने पूछा भाई
कि ये अच्छे अच्छे दाना क्यों दिया? उन्होंने कहा कि शायद ये अच्छे दाने हम बोएंगे तो हमारा पाक अच्छा आएगा, पर आज जो खा लेंगे वो तो मिट जाएगा। तो खाने में ऐसा जैसा अनाज है तो रखता खेड़ भी जानता है कि अच्छा बीज डालेंगे तो अच्छा पाक होगा, वो हमारा काम होगा। तो हमारे पास भी, हमारे भी ये कुछ करना है, वो सादा में करना, पर दूसरों के लिए तो आपको समय मिला है जरूर करो। और याद रखना, अंतिम समय में हमको कोई याद रहता है तो हमने अच्छा काम किया है, बुरे काम उसको याद आता है, दुखी हो जाता है कि मैंने अहंकार में, आवेश में, काम के वश में मैंने क्या खराब काम किया। पर जो अच्छा काम किया वो आपके साथ, आपकी छाया बन के, आपका पुण्य बन के आपको मिला है। तो या जो सुखी लोग हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ मैं रोटेरियन देखता हूँ, नैरोबी में, अमेरिका में, जब जब ये रोटेरियन देखा, मैं कहता हूँ कि रोटेरियन लोग अच्छा काम करते हैं। और प्रत्येक रोटेरियन ये काम करते हैं तो उनको भी मेरी शुभेच्छा है। और आप लोगों ने ये जो सहन किया है और आपकी हिम्मत रख के, हिम्मत नहीं हारना, दुनिया में जो कीमत है वो हिम्मत की है। और जो लोगों को जरा मुश्किल आई है तो कहो कि देखो मेरे से भी और भी बहुत दुखी है, मैं हिम्मत नहीं हारूं, सामना करूं। तो ऐसे ऐसे मैंने अपंग लोगों को देखा है कि उन्होंने आज दुनिया में उसका दृष्टांत दिया है। पंडित शुक्ला जी आँख के ब्लाइंड थे, पर पंडित शुक्ला जी जैन धर्म में गांधी जी के साथ रहे और नवजीवन में उन्होंने जो साहित्य काम किया वो अंध थे। हेलन केलर आँख में अंधी थी, सुन भी नहीं सकती, पर आज दुनिया में हेलन केलर को मिलने के लिए जवाहरलाल पंडित वहाँ गए थे। कि इस लोगों ने पूछा कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस भाई को नहीं कहते, देखो उस जिसके पास तीन तीन इंद्रियां कम है ऐसी स्त्री को मुझे देखना है। आज मुझे यहाँ आप लोग आप काम करते हैं तो इसके लिए दो कहता हूँ कि जो धन का उपयोग करते हैं उनको खूब आशीर्वाद है, और आप काम करते रहो, और आप जो देते हो वो इन्वेस्टमेंट है। When you go from here, what you have planted, that will be there. Your money in the bank will not be there. That everybody will take up. But what you have done with your hand, with your heart, that will be your investment. So those who are well to do, तन से, मन से, धन से जो कुछ है आप करते हैं। और आप सबको मैं ये कहता हूँ कि आपको दुख जीवन में आया है, हम यही प्रार्थना करते हैं कि दुख में हारो नहीं, सुख में सब है, दुख में सब भगवान का राम है। तो भगवान का याद करके हिम्मत से हम जिएंगे, और हिम्मत से जियो तो आपको जीवन जीने का एक मकसद होगा कि मैं क्यों जीता हूँ। दुख को याद करके रोना नहीं, सामना करना। जो इंद्रियां नहीं काम करती है उसको काम कराना, जो इंद्रियां नहीं काम करती है तो दूसरी इंद्रियों से वो कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। तो आप बस आप ये काम करते रहो, और इसकी शुभेच्छा देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूँ। और आप सब धन्यवाद। स्वामी स्वामी का दुनिया में सबसे मशहूर गीत है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हर एक जैन
विश्व मैत्री की मंगल भावना, मैत्री भाव का पवित्र झरना निज दिल में बहा करे, शुभ मंगल हो विश्व जीवों का ऐसी भावना नित्य रहे, गुणवानों के गुण दर्शन से मनवा मेरा नृत्य करे, गुणीजनों के गुण पालन से जीवन मेरा धन्य बने, दीन क्रूर और दया विहीन को देख के दिल ये भराए, करुणा बीनी आंखों में से सेवा भाव उभराए, उले भटके जीवन पथिक को मार्ग दिखाने खड़ा रहूं, करे उपेक्षा प्रेम पंथ की तो भी समता चित्त धरूं, चित्र भानु की यही भावना मैत्री घर घर सुख लाए, बैर विरोध के भाव छोड़ कर गीत प्रेम के सब गाए, हे प्रभु गीत प्रेम के सब गाए। सुधीर भाई સ્વામી જી આ ડિપાર્ટમેન્ટ એક મશીન છે અને ઘણા લોકો સંસ્થાને છીએ બહુ મોટી છ લાખ અને 15,000 આપ છો એ
એટલે આ લોકો ની દયા થી Swamiji is a very, very well-known saint in the Jain religion. Very, very. If you are lucky, you will come. We'll take it. Give your blessings, sir. All the blessings, and you will be all right. Okay. Take the care of our food. Childhood friends, sir. You will be. So, you will be. Anything which what is sugar, you can practice with the health care, natural. Because I am 92, but I had all problems because of control. One problem I have got. અહિયાં ના વડા છે, આ હોસ્પિટલ ના, અહિયાં સોસાયટી ના લે, આ હોસ્પિટલ ના વડા છે. અચ્છા, આ હોસ્પિટલ ટ્રસ્ટ છે. ટ્રસ્ટ છે. આપણે આ મશીન ને જગાએ આ પેમેન્ટ કર્યું. બસ આપણે તો અનુભવતા કરવાની અને થાય એટલી મદદ કરવાની. આ પુણ્યનો દિવસ છે ભાઈ. આપણે આપણે તનથી મનથી અને ધનથી થાય એટલું. ડોનેટ કરી આપી શકો, ફાયદો થાય. બસ મૈત્રી ભાવ નું ગાતા રહેજો અને આરજ રહેજો. હા, એવી રીતે જેમ જેમ માણસની હાઇટ વધે તો આ એડજસ્ટ થઈ શકે એવા છે.
એલ્યુમિનિયમ એલોયના માટે 650 વર્ષનો હોય એટલે મેં કહ્યું કે 15 વર્ષનું થાય તો આ મોટી એક્સટેન્ડ કરી હાઈટ વધે એટલે હા હા અને પછી બહાર ફોમ કરીને પણ જો આ બધી ચાર તો થઈ જાય ખબર આવી જાય બહાર ખબર આવી જાય વ્હીલચેર માટે આવે ડૉક્ટર કે તમે વ્હીલચેર નહીં આપો ચાલતા કરી શકો તમે તો કુંડીનું કામ કરો ડૉક્ટર કે તમે વ્હીલચેર નહીં આપો સાદા જયપુર અહિયાં સુધી તો કપાઈ ગયો અને હાથ અહીંયા સુધી કોઈ થઈ શકે અને એવા સિગ્નલ મળે કે આ હાથ મળે તો એમનામાંથી કેબલ આવે એ કેબલ અહીંયા જાય એટલે આંગળા જ હોય માણસ ફેક્ટરીમાં કામ કરતો ખબર ને એક મિનિટ તમારી હિંમત શું હિંમત તમારી હિંમત કે કિંમત એ તમારા મોટું છે ને તો આપણે હિંમત કે લઈ જાય અને બહાર કપડાં પહેલી નીકળે ને ખબર ના પડે ખબર આપણે ગાડી ચલાવી શકે બીજું બધું કામ ડાન્સ શીખવી શકે બધું કરી શકે આજે સારી જિંદગી જીવે સ્વામી ચિત્રપાલ દુનિયા કે બડે સંત હૈ આપકો આશીર્વાદ દેને કે લિયે ખાસ આયે હાં ઓર અભી ટ્રેન મેં જાયેગા ધ્યાન સે શ્રદ્ધા અભી દૂસરે કો બોલને કા ઓર લોગો કો